सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल्स। मॉडल्स होता है कुछ लोग ज़्यादा हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में मॉडल्स मॉडल्स करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा मॉडल्स मॉडल्स वाला है तो सामने आके बताइए भाई कि आप लोग इसको मॉडल्स क्यों बोलते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज मॉडल्स। कई जगह सुने लेकिन दिल गवाही नहीं दिया कि उसको मोडाल बोले। ये तो वही है, जबरदस्ती वाली बात है कि हम भी अंग्रेज बनते हैं, आप मोडाल्स बोलेंगे। अरे भाई मॉडल है तो मॉडल है, वो मोडाल्स क्या हो गया। ओके बहुत सारे लोग बोलते हैं, डोंट वरी, बोलना होता तो मैं भी बोलता, बट मैं वही बोलता हूँ जो उचित है। आइए अब देखते हैं क्या है ये मॉडल्स, करता क्या है। देखिए गाइस, कुछ स्पेशल नोट्स तो लिखने पड़ेंगे। पहली चीज ये है कि मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। पहली चीज, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपने सुना ऑक्सिलरी वर्ब, नाम है ना हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसा सुना होगा। तो इसको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है, याद रखिएगा। कुछ लोग इसे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे कहा जाता है। तो कहने का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता चल रहा है भाई। एक कॉमन सेंस बताता हूं, कॉमन सेंस बताता हूं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा होगा वो अपने बगल में क्या लेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब लेगा, तभी तो बेचारा हेल्पर है ना, समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना, ठीक है। अब ये है अगला पॉइंट, बस ये है कि टेंस फैक्ट को दिखाता है, टेंस जो है फैक्ट को दिखाता है कि इस टाइम पे ऐसा हुआ, उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, फैक्ट को दिखाता है। लेकिन जो मॉडल्स है, मॉडल्स फैक्ट को नहीं दिखाता है। मॉडल में सच्चाई नहीं होती है, शक हो सकता है, डाउट हो सकता है, यू नो। तो अगर फंक्शन देखा जाए कि मॉडल हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शंस ऑफ अगर मॉडल को देखा जाए, मॉडल्स को, तो या तो ये एडवाइस देगा, यू नो, मॉडल एडवाइस दे सकता है। मॉडल क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, मॉडल स्पेकुलेशन भी दिखा सकता है। स्पेकुलेशन समझते हैं आप लोग, अंदाजा? यस सर, यस सर। तो मॉडल गेसिंग कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है मॉडल, कैपेसिटी दिखा सकता है, दिखा सकता है कैपेसिटी, दिखा सकता है पावर को, दिखा सकता है मॉडल आपके एबिलिटी, सब ये सब चीजें मॉडल दिखा सकता है। ओके, दिखाता है। ओके फाइन गाइस, आइए अब देखते हैं कि मॉडल्स होते कितने हैं। वैसे तो मॉडल 13 होते हैं, यू नो 13 मॉडल्स होते हैं, बट मेन कितने होंगे, मुझे लगता है 7 होने चाहिए मेन, करके देखते हैं। अगर हम कुड से शुरू करें तो कुड, वुड और ये शुड, ये तीन तो सबसे खतरनाक और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तीन मॉडल्स तो बहुत ही कहते हाई स्टैंडर्ड मॉडल्स माने जाते हैं। कुड, वुड, शुड, जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा फंसता है किस में होगा, मुझे लगता है वुड, तो उसकी एकदम वाट लगा देती होगी ना। ओके ये हो गया। इसके बाद मल्टीपल यूजेस है सर, यूज वुड, मल्टीपल यूजेस एकदम। उसके बाद आपके पास कैन आ गया, आपके पास मे है, माइट है, मस्ट है। देखने 7 हुए क्या, ये काउंट करें, हो गया ना, 7 है ना। यस सर, 7, यस सर, यस सर, यस सर। ये जो 7 तो है ये मेन है गाइस, ये 7 आपके मेन। अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है, वैसे कहने को तो विल और शैल को भी मॉडल कह दिया गया, यू नो, आपका डेयर भी डाल दिया इसमें, और क्या क्या डाल दिया, नीड भी डाल दिया, नीड टू डाल दिया होगा, यूज टू डाल दिया होगा। देखना 13 कैसे भी करना है, हो रहा है 13, एक छूट रहा है कहीं से, ऑट टू छूट रहा है, 12 है, 12 है, ऑट टू छूट रहा है, 13 करने, 13 हुआ क्या, देखिए तो, हाँ यस सर, 13 हो गया ना, 13 करना है।
तो लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, यही आपके मॉडल्स है। बाकी सब आपने सुना होगा ना, सेमी मॉडल्स, आधा मॉडल, 50-50 मॉडल। हाँ, ये सेमी सामा है। इधर जो मेन आपका ये है। तो ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। भूलना नहीं है कि मॉडल, कोई भी मॉडल हो, इस ऑट टू को छोड़कर, इसमें टू लगा हुआ है, ये अनकट्ठा ले, कोई भी मॉडल हो, मॉडल अपने बगल में वर्ब का क्या लेता है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म बेस फॉर्म लेता है, एकदम रट लेना है। तो बेस फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एक मॉडल लिखता हूं, ये मॉडल है, और मैं क्या यहां पर गोइंग लिख सकता हूं? हाँ या ना? नो सर, नो सर, नो सर। कोई मॉडल है, क्या गोज चलेगा क्या? नो नहीं चलेगा। अगर ये मॉडल है, वेंट लगा दूं, चलेगा? नो सर, नहीं चल सकता है। नो सर, तो जो मॉडल है अपने साथ जब भी लेगा तो गो ले सकता है, जैसे बेस फॉर्म। इसीलिए लोग इसको फर्स्ट फॉर्म ज्यादा कहते हैं, क्योंकि बी को छोड़ दे तो सारे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं, यू नो, सेम होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना, मॉडल के बगल में वी वन, वी वन सुना होगा, वी वन वी वन, वो इसलिए कहते हैं कि एक ही जैसे दिखते हैं। सिर्फ अलग क्या है, मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, बी को छोड़कर छोड़कर सारे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही दिखते हैं ना, एक ही दिखते हैं, दिखते हैं, इसलिए लोग मॉडल के बगल में वी वन लगाने को कहते हैं, लगाने को कहते हैं। लेकिन जब बी लगाना पड़ेगा तो बेचारा बी हमारा बेस फॉर्म है, और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वाज वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। फोर्थ फॉर्म बीन। अब बेचारा फिफ्थ फॉर्म इधर भाग गया, इज इधर आ गया, इज इधर भाग गया। थर्ड पर्सन के साथ होता है ना, ही शीट के साथ। तो इसीलिए ज्यादातर लोग वी वन कह देते हैं, क्योंकि खाली यही है ना बेस, ये थोड़ा अलग है, बाकी तो सेम होता है। तो आप इसको वी वन कहो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, आप इसी बेस फॉर्म को जब सीख ही रहे हो तो फुर्सत से क्यों नहीं सीखो, आराम से सीखो। बेस फॉर्म को बेयर इन इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, कहा जाता है। मान लो कभी किसी ने बोला कि भाई मॉडल के बगल में बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो समझ जाओगे ना, बेयर का मतलब बिना टू वाला। बेयर मतलब, अगर बेयर फीट का मतलब क्या होता है? बिना चप्पल के, विदाउट है ना, सॉरी, मतलब कि हाँ, नंगे पैर, बिना चप्पल जूते के बेयर फीट। बेयर बॉडी का मतलब बिना टी शर्ट के, बिना किसी के। तो अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो बिना टू के, समझ रहे हो? कभी कभी अगर सुनने को मिले, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है विदाउट टू। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है टू गो और कहीं पर लिखा हुआ है खाली गो, तो बेयर इन्फिनिटिव कौन सा है? गो गो जो गो है, गो यह है बेयर इन्फिनिटिव, और जो टू गो है यह है फुल इन्फिनिटिव। ये चप्पल वाला है, फुल इन्फिनिटिव। तो ये कुछ बारीकियां हैं अंग्रेजी की, पारी किया जो हमें पता होनी, अगर हम टीचर है तो पता होनी चाहिए, स्टूडेंट को पता होना क्या फर्क पड़ता है। आप में से कई लोग हैं ना टीचर लोग हैं, तो एकदम चक्षु आज ही खोल लीजिए, टीचर लोग चक्षु खोल लीजिए आज ही। टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट सर। हाँ, यस सर। तो टीचर लोग, खैर ये सब ना डीपली पता होना चाहिए। इसलिए चलिए अब बढ़ते हैं। इतना सब कुछ हो गया बॉस, कि बेस फॉर्म लगेगा, सब लगेगा। अब मॉडल को उठाते हैं, किसको पहले उठाए? हमारे पास लिस्ट है, तो आपकी सहमति से आप जिसको पहले बोले उसको उठा लेते हैं। सर उड, बहुत बढ़िया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम। तो गाइस, सबसे खतरनाक है वुड, ऐसा लोगों को लगता है। कोशिश करते हैं क्या है ये? पहले लिख दूं कि वुड के मल्टीपल यूजेज होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो बहुत सारे जब यूजेस होते हैं तो टेंशन क्या लेना है?
जिसमें से जो सबसे पहला इस्तेमाल है, फर्स्ट यूज, सबसे आसान वाला बताता हूँ। ये कहता है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस विल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वुड होगा। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो, अब कैसे फ्यूचर की बात, यानी कि हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है यह है कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस ये होना चाहिए पास्ट, और जो सेकंड सेंटेंस है ये होना चाहिए फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में लगाना क्या है, वुड लगाना है, वुड वुड। अब करके देखते हैं, इसके लिए कुछ खास वर्ब्स भी होते हैं, कुछ खास वर्ब्स भी होते हैं। जैसे पहला वर्ड है नो, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, न्यू ओके। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट ओके। सरमाइज का सेकंड फॉर्म सरमाइज्ड ओके। सेंस का सेकंड फॉर्म सेंस्ड। करके दिखाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल्स। यहां पर एक व्यक्ति है और एक सेंटेंस बोल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ पर्सन, और ये एक वाक्य बोल रहा है। इसका वाक्य है कि मुझे लगा तो मुझे पीटेगा। इसमें दो टुकड़े हैं कि नहीं, देखिए तो। यस सर, है ना? यस सर, मुझे लगा। यस सर, ये पास्ट है और तू मुझे पीटेगा, ये फ्यूचर है कि नहीं है? आई थॉट, है ना, फ्यूचर है। तो इस कंडीशन में हमें विल नहीं लगाना है। हम कैसे बोलेंगे, मुझे लगा, आई थॉट, आई थॉट। आप चाहो तो बीच में कनेक्टर दैट लगा सकते हो, अगर चाहो तो दैट से जोड़ सकते हो। I thought that you would beat me. You would beat me. आजकल that लोग नहीं भी लगा रहे हैं, तो आप नहीं भी लगा सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि I thought you would beat me. आप ऐसे भी कह सकते हो। थोड़ा चाहो तो यहाँ पर एक कॉमा दे दो, थोड़ा पॉज दे दो। जैसे मैंने महसूस किया, I felt कि वो मुझे ठुकरा देगी। I felt that she would reject me. मुझे लगा कि वो अपनी उम्र नहीं बताएगी। अब मुझे लगा, thought भी हो सकता है, felt भी हो सकता है, है ना? I thought that she would not reveal her age. रिवील या टेल बता सकते हो। तो यहां वाला सेक्शन देख रहे हो, पास्ट है। इधर वाला विल की जगह हम वुड लगा रहे हैं। जिनको नहीं पता वो विल लगा सकते हैं, बट वुड ही चलता है। ओके, मुझे लगा, इसको पैसिव करते हैं, मुझे लगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर पैसिव थोड़ा सा कर दिया जाए, मुझे लगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो लगा मतलब लगने को क्या बोला, आई थॉट, आई फेल्ट, आई सेंस्ड, यू नो, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा फील किया, आई फेल्ट दैट मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, माई सैलरी वुड नॉट बी ठीक है। इंक्रीज एक कॉमन वर्ड लगा सकते हो, इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये हो गया, पैसिव में बी लग गया सर। हाँ, पैसिव है तो फिर पैसिव का पता ही आपको, जो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है वो वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यस, ओके, फाइन। कई बार हम ऐसे भी यूज करते हैं,
जैसे एक जगह पास्ट परफेक्ट मान लो किसी ने लगा दिया, पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद उसने वुड वाला सेंटेंस बोला, जैसे मैंने कभी सोचा न था न था कि वो मुझे डिसीव करेगी, डिसीव मतलब धोखा देगी, डिसीव करेगी, चीट करेगी। तो जैसे अगर बहुत कुछ ऐसा बताना कि मैंने कभी ऐसा लाइफ में सोचा ही नहीं था, तो उसकी जगह हम पास्ट परफेक्ट लगाना प्रेफर करते हैं। कैसे बोलते हैं? आई हैड नेवर थॉट, आई हैड नेवर थॉट दैट दैट शी वुड डिसीव मी, डिसीव मी, ओके। मैंने सोचा ना था कि तुम ऐसे निकलोगे जी, कैसे होगा? I had not thought you would like that. Yeah, that you would turn out to be like this. Eh? Turn out to be like this. मतलब ऐसा ऐसा बन जाओगे। तो आप हैड भी लगा सकते, आप नॉर्मल भी कह सकते कि आई डिड नॉट थिंक, ऐसे भी तो कह सकते मैंने नहीं सोचा था, आप ऐसे भी कह सकते हो आई डिड नॉट थिंक कि मैं बेहतरीन सब्जी बना पाऊंगा, यू नो आई डिड नॉट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू कुक या मेक क्या वो? एक एक टेस्टी के लिए क्या होता है, एक एक वर्ड देखिए तो डिलेक्टेबल सुना है किसी ने? यस सर, डिलेक्टेबल सुना है ना? यस सर। देखना है टेस्टी के लिए है ना, एक बार चेक कर लेना, कोई चीज बहुत फूड से रिलेटेड में यूज करते हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेना। आई डोंट थिंक दैट आई वुड बी, इसकी हिंदी लिख दीजिए ना बस एक बार, आप लोग सर्च कर ले कि डिलेक्टेबल फूड के लिए ही है ना, टेस्टी के लिए है ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो आई डिड नॉट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू कुक डिलेक्टेबल। यस सर, डिलेक्टेबल और ओनली डिलेक्टेबल। एक बार देखिए तो डिलेक्टेबल मिला क्या? हाफ फूड और फूड ड्रिंक डिलीशियस। हाँ डिलीशियस के लिए है ना, हाँ ठीक है फिर। यस सर, खाद्य पदार्थ। हाँ ठीक है फिर, सही। तो आप ऐसे यूज करें, आई एम एबल टू कुक सच अ डिलेक्टेबल वेजिटेबल। हाँ बोल सकते हैं, ओके। जैसे अगर कोई बहुत फराटेदार अंग्रेजी सीख लिया, बोले कि मैंने कभी सोचा ना था कि मैं इतना फ्लुएंट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो कैसे बोलेगा? आई हैड नेवर थॉट दैट आई वुड बी सो फ्लुएंट, है ना? तो कितना अच्छा लग रहा है। हम किसी को ऐसे बोल सकते, क्या तुमने कभी सोचा था? हैड यू एवर थॉट, कभी तुमने सोचा था कि तुम एक एक्टर बन जाओगे? Had you ever thought that you would become an actor? You would become an actor. कभी तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? कैसे होगा? Had you ever thought that I would be yours? तो मतलब इसके अंदर तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आप रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं और नफरत भरी बातें भी कर सकते हैं। मैंने एक की हिंदी लिख दीजिए सर, किसकी लिख तो ध्यान रहेगा, किसी की भी एक की लिख दीजिए सर। एक की लिखते हैं, नीचे वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है सर। हैड यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? इस तरीके से। और जैसे कोई नफरत भरी बातें करे, तो मैंने ना सोचा था कि विवाह के उपरांत मैं नौकरानी हो जाऊंगी, तो कैसे हो जाएगा? I had never thought that after marriage I would be like a हाँ कुछ लोग लाइक कहते, कुछ लोग पूरा ही कह लेते कि आप तो नौकरानी हो, तो I would become yes, एक और लड़कियां एक और ऐड करती है ना,
विदाउट सैलरी कुछ ऐसा भी ऐड करती है ना. हाँ यस 24x7 मेरे डायलॉग्स होते हैं उनके. ओके चलिए या तो अब इस पर आप एक दो सेंटेंस सोचिए. कुछ दिल में आ रहा है? सोचिए सोचिए. यस सर आई नेवर थॉट दैट यू वुड perpetrated that crime in a fit of rage. In a fit of rage, okay. गुस्से में है? जल्दी उसमें. Yes, sir. ठीक. अच्छा, इसके अंदर हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि एक फ्रेज आता है have an inkling. नाम सुना है? Have an inkling. Yes. इसका मतलब होता है आभास होना. आभास होना. आभास मतलब कुछ यू नो पहले से नहीं होता है एक सिक्स सेंस. यस कुछ ऐसा इसको क्या आभास कुछ और कह सकते हैं क्या किसी और इंस्टिंक्ट सर इंस्टिंक्ट कॉन्शियस नहीं नहीं हिंदी में इंग्लिश में तो है ही पूर्वाग्रह बोलते हैं आप पहले से पता चल जाना. मुझे एक आभास था मुझे अंदर से एक फीलिंग थी आई हैड एन इंकलिंग महसूस होना पूर्ण अनुमान होना. हाँ अनुमान कुछ ऐसा अंदाजा मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था आई हैड एन इंकलिंग कि वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा. दैट ही वुड रीच ही वुड ही थोड़ा और इसको मुश्किल करते ही वुड डेयर टू रीच माय होम यू नो थोड़ा डेयर से अच्छा लग रहा है. यस सर मतलब ऐसे साहस करेगा थोड़ा यू नो ही वुड डेयर टू रीच माय होम. लेकिन सर ये तो पास्ट के लिए हुई हो रहा है सर सेकंड पार्ट भी हम जो भी कह रहे हैं ना कि ये मैंने सोचा कि ऐसा फ्यूचर में होगा ये भी पास्ट है और पास्ट में ऐसा होगा मतलब कैसे कि हाँ पास्ट सब पास्ट है. मुझे लगा वो आएगी लेकिन वो आई नहीं. अब इतना मुझे बोलना है मुझे लगा वो आएगी तो आई थॉट दैट शी वुड कम लेकिन वो आई नहीं बट शी डिडंट कम. इस तरीके से ओके फाइन मुझे लगा तुम मुझे माफ कर दोगे तो कैसे होगा आई थॉट यू वुड फॉरगिव मी फॉरगिव मी. सर मॉडल के बाद में बियर इनफिनिटिव बियर मॉडल भी आ सकता है. ये बियर इनफिनिटिव भी आ सकता है सर. वो बियर इनफिनिटिव जो है वही बेस फॉर्म है वही बियर इनफिनिटिव. अभी लिखा तो था मैंने ऊपर शायद ये देर में आया है ऊपर लिखा था ना मैंने याद है नहीं 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 मेरे को मालूम है लेकिन ऐसे यूज कर सकते हैं. मैं ये पूछ रहा हूं अब कोई जैसे आपने सर उड के बगल में डेयर टू यूज किया शायद आई थिंक. अच्छा मैंने ये जो डेयर मैंने इस डेयर को वर्ब की तरह यूज किया है भाई साहब. ये वर्ब की तरह डेयर सेम ही होता है ना ये वर्ब की तरह यूज किया है और यहां पर ये जो टू रीच है ये इंफिनिटिव की तरह यूज किया है. डोंट वरी इसीलिए तो मैं उसको ज्यादा मॉडल की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ. ये आधा है आधा वर्ब होगा तो आधा मॉडल होगा. तो मैं वुड के बगल में मैं वर्ब रख सकता हूँ कि नहीं हाँ या ना रख सकता हूँ ना. तो ये डेयर मेरा yes, वर्ब है ये yes, वर्ब sir, है yes, ये मैंने वर्ब को रखा है. दिस इज नॉट डेयर ऑफ कोर्स वर्ब है. हां डेयर वाली की हिंदी भी लिख दीजिए सर पंडा की. इसकी भी हिंदी लिख दूं मैं कि आई हैड एन इंकलिंग मुझे आभास था कि वो मेरे घर पहुंचने की एक उर्दू वर्ड होता है हिमाकत कुछ ऐसा होता है क्या. हाँ यस हिमाकत कुछ ऐसा हिमाकत हिमाकत करेगा. गजब ओके जी ठीक है. चलिए आई अगर मैं लिखूं आई कॉम्प्रीहेंडेड दैट शी वुड गेट मी बीटन. मान लो मैंने यहां पर एक पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव लगाऊं कुछ भी लगाऊं वुड के बाद तो भैया मैं वर्ब भी लगाऊंगा ना. देख लो तो गेट मेरा क्या है एक वर्ब ही तो है वर्ब है तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है. आई कॉम्प्रीहेंडेड मैं समझ गया कि वो क्या करेगी शी वुड
गेट मी बीटन, वो मुझे पिटवा दे। तो मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूँ कि मैं समझ गया गया कि वो मुझे पिटवा दे। यस, ये भी हो सकता है। सर मैं समझ गया था वो मुझे हिंदी लिखने के लिए बोलेगी, ये भी हो सकता। हाँ बिल्कुल, I comprehended that she would ask me to write Hindi. अपने लिए अपना डायलॉग बोला इन्होंने। Thank you so much. Good one. बताइए दोस्तों, कुछ हद तक आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, आ रहे ना? ठीक है, तो थोड़ा इस पे ब्रेक लेते हैं, एक दो सेंटेंस बनाइए, चलेगा अभी, ये मॉडल इतना आसान है, चलेगा, ब्रेक लेते हैं। चलिए स्वागत है, ब्रेक के बाद है अगला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट जो है ये भी बहुत आसान है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब विल की जगह वुड लगाते हैं, और ये आजकल चला हुआ है। स्पीकिंग में ज्यादा लोग इनडायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बट विल वाला हिस्सा बोल सकते हैं और बोलते आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक डायरेक्ट स्पीच लिख के दिखाता हूं। ओके, she said to me, I will wait for you. उसने मुझसे कहा मैं आपका इंतजार करूंगी। अब देखिए यहां पास्ट है, इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पास्ट है ना? Yes, sir. जिन लोगों को पता होगा तो आपको पता है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, कभी अगर पढ़ा हो शायद। हाँ या ना? Yes, sir. नहीं भी पता तो कहीं भी जाए, तेल लेने जाए, क्या होता है छोड़ो बात, सिर्फ देखो कि एक सेंटेंस है शी सेड टू मी, दूसरा है आई विल वेट फॉर यू। तो अगर मैं किसी को स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो जनरली मैं डायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आई वाज टॉकिंग टू दैट गर्ल एंड शी सेड टू मी, हे यू नो आई विल वेट फॉर यू, व्हेनेवर यू विश टू कम यू कैन कम टू माय हाउस। अब ये मैंने बोला, लेकिन मैं अगर थोड़ा और अच्छा कर दूं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बोलूं, तो सेम स्टोरी को मैं थोड़ा सा इसमें तब्दील कर दूंगा कि शी, ग्रामर कहता है जो सेड टू है वो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, है ना? तो शी टोल्ड मी हो गया। अब हमें एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है, वो क्या है कंजंक्शन? दैट, शी टोल्ड मी दैट। अब आप जरा दिल पे हाथ रखें, रखी ले और बताएं ये आई कौन है? ये शी है, शी है, कौन है आई? सब्जेक्ट ये आई, आखिर ये लड़की है ना, ये है ना? उसने मुझसे कहा हे मैं इंतजार करूंगी, तो ये मैं कौन है, लड़की है ना ये? यस, तो अब यहाँ पर मैं आई नहीं लिखूंगा, उस लड़की है तो मैं उसको शी बोलूंगा, शी, शी विल, शी विल है वो वुड हो जाएगा, शी विल, शी वुड हो जाएगा विल का, और यहाँ वेट फॉर, और ये यू कौन है, ये मैं हूँ ना, ये तो मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। इतना चेंज अगर आप में शक्ति है करने की, तो आप वुड का यहाँ भी क्या बोलते हैं, लुफ्त, लुफ्त क्या बोलते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। I don't understand, क्या है ये लुफ्त, लुफ्त ऐसा लुफ्त, 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 लुफ्त की लुफ्त है क्या है, I don't know, लुफ्त नहीं नहीं उठा सकते, लुफ्त, अरे यार बोले नहीं जा रहे, लुफ्त उठा, लुफ्त, लुफ्त, oh my god. हमेशा याद रखिएगा, अगर सेड अकेला आए, अकेला आए, तब सेड को, सेड को सेड ही रखा जाता है, रखा जाता है। यानी कि अगर ऐसा आ जाए शी सेड मैं तुम्हें पीटूंगी, आई विल बीट यू, अब सेड मेरा अकेला है, इसके बगल में कभी है टू मी, टू हर, कुछ ऐसा है नहीं है ना? No. कुछ भी नहीं है।
तो इसको अगर आप चेंज भी करोगे तो अकेला ही रहेगा. शी सेड, बस यहाँ क्या लगा दो, दैट शी सेड दैट शी वुड बीट मी, शी वुड बीट. लेकिन लेकिन अगर सेड के बाद टू आ जाए और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तब सेड टू को चेंज करके टोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. आप चाहें तो कर सकते हैं, रिटन में तो करेंगे, स्पोकन में कुछ भी चलेगा. आप सेट टू को सेट टू बोल दो, स्पोकन में कोई नहीं काटेगा. ऐसे सी सेट टू मी आई विल एम्ब्रेस यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें गले लगा लूंगी, तो मैं चाहूं तो इसको बोल सकता हूं शी टोल्ड मी दैट शी वुड एम्ब्रेस मी. हो गया. तो अब वो जो लुफ्त उठाना था वो उठाने के लिए शर्त देख लीजिए कि इतना खेल खेलना पड़ेगा. अगर आप ये स्टाइल पसंद करते हैं तो आइए फिर. तो बताइए कैसे होगा कि मेरी माँ ने कहा है कि वो मुझे पीटेगी. My mother told me that she would beat me. My mother told me that she would. अगर मैं सीधा बोलता मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे पीटेगी तो सेड का सेड भी रह सकता है. My mother said that she would beat me. और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो मुझे पीटेगी तो my mother told me that she would beat me. मेरे बॉस ने कहा कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे. My boss said that he would fire me. From the job. तो ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ये मेरे मुंह से निकल ही रहा है इनडायरेक्ट में, देख रहे हैं आप. Yes, sir. है ना? तो जब आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे ना तो आपको अलग से पहले डायरेक्ट करो और इनडायरेक्ट करो नहीं, आपके मुंह से जो जो निकलेगा ना वो इनडायरेक्ट ही निकल जाएगा. ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इतनी आदत आपको हो जाएगी. अब आप स्टोरी सुनाओ, आपको स्टोरी में बोलना है. जैसे मैं एक स्टोरी अगर आपको बोलता हूँ डायरेक्ट स्पीच में, दैट मैं बोलता हूँ वेल येस्टरडे आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस. आई सेड टू हिम हे विल यू गो टू मार्केट विद मी. ही सेड टू मी नो आई विल नॉट गो टू मार्केट विद यू. इफ यू वांट टू गो टू मार्केट विद मी आई विल गो टू मार्केट विद यू आफ्टर टू डेज. अब ये स्टोरी मैंने बोली, इसमें आपने विल कई बार सुना कि नहीं सुना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो आपका था ये डायरेक्ट स्पीच वाली स्टोरी थी. लेकिन इनडायरेक्ट में कैसे होगा कि मैंने उससे, अगर आप में से कोई बना पाए, मैंने उससे कहा क्या तू मेरे साथ मार्केट जाएगा, क्या तू मेरे साथ मार्केट जाएगा. उसने कहा मैं तेरे साथ मार्केट नहीं जाऊंगा भाई, मैं तेरे साथ मार्केट नहीं जाऊंगा. अगर तू मेरे साथ मार्केट जाना चाहता है तो मैं अगले हफ्ते जाऊंगा. अब बताइए साहब कैसे होगा. I asked her if you go to market with me. I asked him. If you would go to market with me, उससे कहा, I said to him, I said to him, if your weather would go to market with me. Sorry, ask it again. I said to him, will you go to with me? May I, sir? I asked him if you go to market with me. Would you go to market with me?
तो इससे ये तो पता चलता है कि इंटरोगेटिव आपको फंसा रहा है, नहीं? यस सर, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव का नियम कुछ बच्चों को पता नहीं, बहुतों को मुझे पता लग रहा है कि उन्हें पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। तो इसीलिए ये सब खेल खेलने से पहले सोचना पड़ता है। आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल लोगे इंटरोगेटिव में फंस जाओगे। यस सर। तो रूल क्या है कि मैंने उससे कहा, अब इंटरोगेटिव में कहा पूछा हो जाता है, यू नो क्या हो जाता है, आई आस्क्ड हिम, वो सेड नहीं रहता है। अच्छा, जो आप बचपन से दैट लगा रहे हो तो दैट भी गायब हो जाता है, दैट की जगह आपको क्या लगाना है, इफ लगा देना, इफ या आपको वेदर लगाना है, तो इफ ज्यादा चलता है। वेदर तब चलता है जब उसमें और नॉट वाली फीलिंग आती है ना, कि जाएगा कि नहीं जाएगा, यू नो, तब वेदर लगता है, नहीं तो आपको इफ लगाना। तो आई आस्क्ड हिम इफ। यस सर। अब ये जो तू है, ये आपको पता है, ये जो तू है डायरेक्ट स्पीच में तो आप इसको यू बोलोगे, लेकिन आपको पता है कि ये यू है आई, या ये ही है कि आई है, कौन है ये, जरा तय करके बताइए। ही है सर। आई, कोई आई कह रहा है, कोई ही कह रहा है। ही है सर। आई सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है सर। कॉमन सेंस में बता देता हूँ, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। जब आप वहां पर खड़े होकर के बात कर रहे थे क्या तू जाएगा, क्या तू जाएगा, तब तक तो बेचारा यू था, लेकिन अब आप एक कहानी मुझे सुना रहे हो, अब जब मुझे सुनाओगे तो ये कौन बन गया आपके लिए, ये ही नहीं बन गया, थर्ड पर्सन है ना, कॉमन सेंस है। अभी यहां पर आप आई हो और मैं यू हूं, तो ये कौन हुआ, थर्ड पर्सन नहीं हुआ ये, सोचो, आप फर्स्ट मैं सेकंड, आप तो कहानी सुना रहे हो ना, तो ये ही है, तो कैसे होगा। I asked him if he लगा दोगे यहाँ पर, if he, अब will लगेगा कि would लगेगा, क्या लगेगा, would लगेगा। I asked him if he would go to market with me, तो बताओ कि ये indirect अगर आपको आएगा तभी तो इतना खेल खेल पाओगे, नहीं आएगा तो फंस जाओगे। Yes sir। कहो कि सर ये क्या है, इससे अच्छा तुम will ही बोल रहे थे। सब नहीं होता है स्टोरी में, ये नहीं होता है। इसलिए वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इसलिए अगर आपको वुड का फायदा उठाना है तो उसको पॉजिटिव में उठाइए, इनडायरेक्ट बोलिए, जैसे ये था ना, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में उठाइए, इंटरोगेटिव में फंस जाओगे। और कहते हैं ना कि जब तक फुर्सत ना आए उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। मान लो आपने आधा बोला और आधा गलत बोल दिया, सामने वाला तो समझ गया कि हाथ पैर तंग है, हैं? तो इसलिए तैयार कर रखा है क्या, तो चमत्कार ही होगा, तो क्या दिक्कत है, लगाइए वुड। तो चलिए एक स्टोरी बताइए। स्टोरी यह है कि कल मैं अपने कमरे में था, मैं स्टोरी लिख देता हूँ। Yesterday I was in my room. अचानक मेरी माता श्री आ गई। Suddenly my mother came and कहा and said, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? Will you eat or not? मैंने कहा, I said, मैं अभी नहीं खाऊंगा। I will not eat now. मैं एक घंटे बाद खाऊंगा। I will eat after an hour. अब ये मैंने पूरी कहानी बोल दी, तो ये तो मेरी अंग्रेजी है कि नहीं, ये तो अंग्रेजी ही है ना, देख लीजिए इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, सबसे आसान अंग्रेजी। अब भाई मैंने वुड सीख लिया गलती से, मैं कहूंगा ना ना, मैं तो जिधर विल है वुड लगाऊंगा आज, तो जो हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं किस में कितना है दम, चेंज करने की कोशिश करते करो भाई, केशव भाई करो। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, यस्टरडे आई वाज एट माय होम, सडन आउट ऑफ नोवेयर वन ऑफ माय फ्रेंड बार्ज्ड इनटू माय हाउस एंड ही आस्क्ड मी, सो व्हाट आर यू डूइंग, देन आई टोल्ड, सो माय मदर आस्क्ड मी नॉट टू गो हिदर एंड दिदर, एंड आफ्टर व्हिच एब्रप्टली माय फादर आस्क्ड मी
if you, my father asked me, if you would go hither and thither, I will get you bulgy and miserably. And after that, I started hyperventilating, and seeing me being hyperventilated, my father pacified me with a great panache. And this was, sir. ठीक है, ये जो कहानी है, अगर इसको कोई कन्वर्ट करे, जो मैंने लिखा है, ओके सर, नहीं नहीं अब आप हो गया, नहीं 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 आपका हो गया, अब कोई और आए, कोई और आए. Yesterday I was in my room, suddenly my mother came and said. And मान लो कि भाई आपको वुड लगाने का मन कर रहा है तो अब इसको कैसे कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका. My mother came and asked, would I eat or not? If I would eat or not? Whether I would eat or not? इसमें गाइस अगर और नॉट आ जाए तो इफ नहीं लगेगा, खाली वेदर लगेगा, याद रखिए. वेदर लगेगा. Yes, You would ask me. I said, I would not eat now. I would eat after an hour. ठीक है, हो गया. तो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो आप कर ही लोगे. फंसे कहाँ पर आप लोग? ये. Interrogative. Yes, sir. तो interrogative जब बोलने का अवसर जब प्राप्त होगा, तो सोच लीजिएगा अगर बस में है तो बोलिएगा, नहीं तो विल को विल बोलिए, क्या दिक्कत है. तो बताइए, कल मेरे पापा ने मुझसे कहा बाजार जाएगा, बाजार जाएगा क्या? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा. अब इतना डायलॉग बोलना है तो कैसे होगा? Yesterday my father asked me whether I would go to market or not. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा. I said I would not go. मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे दूसरे ऑफिस जाओगे आज? My boss asked me if I go to his other office. If I would go to his other office.